देश विदेश में कोरोना को लेकर हड़कंप मचा हुआ है और अब भारत में भी इससे लोग चिंतित हैं और कोरोना की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल पर मीटिंग की है। लगभग 2.25 घंटे तक पीएम मोदी की बैठक चली और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस मीटिंग में क्या हुआ। 2.25 घंटे तक पीएम की इस बैठक में सबसे पहले कोविड पर स्वास्थ्य मंत्रालय के जरिए डिटेल ब्रीफिंग दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से पीएम को विस्तार में ब्रीफ किया गया। विशेषज्ञों ने कोविड-19 पर भारत और चीन समेत अन्य देशों की स्थिति में फर्क को स्पष्ट किया। प्रधानमंत्री ने बैठक में कोरोना का हाल और स्वास्थ्य मंत्रालय की तैयारी को लेकर सवाल किया। माना जा रहा है कि कोविड को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं, जिसमें मास्क लगाना अनिवार्य किया जा सकता है। पीएम के साथ कोविड पर चल रही बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, सिविल एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और अधिकारी, कैबिनेट सचिव राजीव गौना, गृह सचिव अजय भल्ला, स्वास्थ्य सचिव और अधिकारी, नीति आयोग के CIO और अधिकारी, पेट्रोकेमिकल सचिव, सिविल एविएशन सचिव मौजूद रहे। इससे पहले बुधवार यानी 20 दिसंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने चीन, अमेरिका समेत कई देशों में तेजी से बढ़ते कोविड-19 के मामलों को देखते हुए एक समीक्षा बैठक की थी। इसके बाद उन्होंने लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के नियमों का पालन करने, भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने और टीकाकरण को लगातार जारी रखने की सलाह दी थी। मांडविया ने अधिकारियों को सजग रहने और निगरानी तंत्र को मजबूत करने का निर्देश भी दिया था। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें। और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN Digital Media को सब्सक्राइब जरूर कर लें।